लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में थोड़ा नलायक थोड़ा कमजोर हूँ। कि तू लड़की होशियार, मैं लड़का पढ़ाई में नलायक थोड़ा कमजोर हूँ। तू पापा की परी है, मैं अपने बाप का बेटा हराम खोर हूँ। तू अपने पापा की परी है तो मैं अपने बाप का बेटा हराम खोर हूँ। तू है राधा तो मैं भी माखन चोर हूँ। तू है मंदिर की शांति तो मैं हंगामे वाला शोर हूँ। तू है मंदिर की शांति तो मैं हंगामे वाला शोर हूँ। और तू शो के बाद द एंड है तो मैं ऑडियंस का चिल्लाता हुआ वंस मोर हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया, बोली पागल है क्या। मैंने उसे प्रपोज किया, बोली पागल है क्या। मैंने कहा जो मर्जी कह ले, तेरे कदमों के नीचे हूँ। और पागल तो मैं शुरू से हूँ, पहले पढ़ाई के पीछे था, अब तेरे पीछे हूँ। टूटे हुए इंसान की एक निशानी बताओ, वो मुस्कुराते बहुत हैं, वो दिखावा बहुत करते हैं, वो हर किसी के सामने ऐसे जाहिर होते हैं कि वो बहुत खुश हैं। उनकी जिंदगी में किसी का आना या किसी का जाना कुछ मायने नहीं रखता, मगर मैं कहता हूँ कि वो हंसते तो हैं मगर तन्हाई में रोते भी बहुत हैं। वो सबके सामने खुश तो रहते हैं मगर रातों की तन्हाइयों में उनसे ज्यादा कोई दुखी भी नहीं होता। इसलिए जब भी किसी को हंसता हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि ये अंदर से बहुत टूटा हुआ है। ये लोगों के सामने एक पर्दा बनाए हुए है, ये लोगों के सामने जाहिर नहीं होना चाहता कि वो कितना दुखी है। उस पे तुम हसीन हो ख्वाब जैसी हो, नाजुक हो गुलाब जैसी हो, होठो से लगाकर पी जाऊंगा तुम्हें, सर से लेकर बाबा मेरे जैसी हो। ओ मेरी हीरे मुस्कुराने की वजह तुम हो। गुनगुनाने मुझे अब इंतजार नहीं रहता तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारी कॉल्स का, ना कोई वजह रही मेरे उदास होने की और ना ही अब तुम रही। बहुत खुश रहता हूँ मैं अब, क्योंकि मैं तुम्हें मिस नहीं करता। जितनी भी फोन में तुम्हारी पिक्चर थी मैंने वो सब डिलीट कर दी। बहुत खुश रहता हूँ मैं अब, क्योंकि मैं अब तुम्हें मिस नहीं करता। कि पहाड़ों से एक आवाज आई थी, ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था पागलों में। कहता था बादलों से कोई आने वाला है, जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड़ लिया, परी ने प्यार की खातिर ख्वाबों से रिश्ता तोड़ लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये मेरे सामने कौन खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी साधे क्यों मौन खड़ा है। फिर उसने कहा कि माँ बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत ख्वाब सजाए थे, काफ़ी ऊंचा उड़ना था, सब तोड़ दिया मैंने। आज से मेरे किस्मत के ताले की चाबी तुम हो, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेताबी तुम हो। एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए। ये सच है कि ये जख्म अब कभी भरेगा नहीं, दिल चाह कर भी किसी से प्यार करेगा नहीं। हाँ, तेरे जाने से ये दुनिया बेगानी लगती है, मेरी दास्तान सुनने वालों को ये फकत एक कहानी लगती है। जख्म अब भी गहरा है, ताजा है और रहेगा हमेशा, देखने वालों को तो मेरी चोट भी पुरानी लगती है। ऐसा कोई दिन, कोई वक्त, कोई पल नहीं जाता जिसमें मुझे तेरा ख्याल नहीं आता। नींद से जैसे कोई दुश्मनी सी हो गई है, सीने में सांसों की कमी सी हो गई है। अब कोई और छुएगा तुझे सोचकर पल पल मरता रहता हूँ, नज़्में लिखता हूँ और उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ।